शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमें एक दो या तीन पॉलीनोमियल्स वो दे देगा, तो हमने इनको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना होगा, जो एक्स वाली वैल्यू होगी एक्स वाली के नीचे, वाई वाली के नीचे, ए वाली ए के नीचे। जैसे एक टोकरी में अगर जिनके कुछ फ्रूट्स पड़े हों तो उसमें से आप को कहा जाए रही इसमें से एप्पल अलग कर दें, बनाना अलग कर दें और जो ऑरेंज है वो अलग कर दें, तो आप सिंपली आसानी से अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह ही सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जो एक्स स्केयर है वो वाई स्केयर के इक्वल नहीं है, कि एक्स स्केयर अलग वैल्यू है, वाई स्केयर अलग वैल्यू है। इसी तरह अगर आपकी एक एक्स की पावर 2 है, दूसरे एक्स की पावर 3 है, तो वो भी सेम नहीं हो सकते, वो भी आपके अलग अलग ही काउंट होंगे। तो आपने क्या करना होगा कि जो इनको हम कहते हैं लाइक टर्म्स, जो एक जैसी वैल्यूज होती हैं, तो आपने एक जैसी वैल्यूज को उसके नीचे ही लिखना होगा। आप देखिए जैसे कि मैं पहली जो वैल्यू है उसको मैं लिखता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। जो सेकंड वैल्यू मैं उसके सेम नीचे ही लिखूंगा, देखें एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के नीचे ही आ रही है, माइनस 2xy। आपने इनके कोएफिशिएंट नहीं देखने, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 6, 7, 8, 9 जो भी आ रहा है, इनके आपने वेरिएबल्स देखने हैं कि ये सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए इसकी तीसरी बात वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर के नीचे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए देखें जिससे साथ कुछ ना हो उसके साथ वन वन होता है, और ये दोनों प्लस वाली वैल्यू है, कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। तो वन वन कितने हो गए जी, 2x स्क्वायर। बात बच्चे क्या करते हैं, 2x की पावर 4 लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। जब हम प्लस या माइनस करते हैं ना, तो उनकी पावर्स को हम प्लस माइनस नहीं करते, पावर्स सेम रहती है। पावर उस सूरत में प्लस होती है अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो फिर हम इनकी पावर्स को ऐसे प्लस करके तो 4 कर लेते हैं। जबकि जब हम प्लस माइनस कर रहे हो तो पावर जो उसकी पावर होगी वही सेम टू सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2 में से माइनस 2 करें, माइनस तो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये माइनस हो गया, 0 तो 0 आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी देखिए प्लस वन वाई तो कितने हो गए हमारे पास, प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया। अब करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, सेकंड आप बुक करेंगे। इसमें भी देखिए पहली वैल्यू आप पहले ऊपर लिखते सारी, a की पावर 5 b क्यूब और a की पावर 3 और b है माइनस 2 a b की पावर 3 और एंड में फिर b की पावर 3 है। अब ये और सारी वैल्यू देखें, पहले a की पावर 5 है, फिर 3ab है, फिर 2ab³ है, इनकी ये सारी अरेंजमेंट इसकी ठीक है, तो आपने ये सारी इसके नीचे लिखनी है, 4a की पावर 5 प्लस 3a की पावर 3 b प्लस 2ab³ और प्लस 5b³। आप देख सकते हैं कि ये सारी डायग्राम है, b की पावर 3 और a है साथ में, इधर bb और a की पावर 3 और इधर a की पावर 5 है। इनके कोएफिशिएंट जो मर्जी हो लेकिन आप इनकी जो पावर्स हैं वो सेम करनी होती हैं। उसके बाद आप इनको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो वन होगा, तो ये हो गया 4, 1, 5 a की पावर 5, इनको प्लस कर लें 3 और 1, 4a की पावर 3, 2 2 से कैंसिल हो गया और 5 और 1 ये कितने हो गया जी, प्लस 6b³। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आइए अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5 है, वो भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहली वैल्यू यहाँ तक है तो ये मैंने ऊपर लिख ली, और ये सेकंड वैल्यू सारी वो मैंने इसके नीचे लिख ली, सेम वही अरेंजमेंट है, इनके पावर इसकी सेम सेम ही आ रही है सबकी। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 4 पे अगर 1 प्लस कर लें तो ये आ गया 5a और b की पावर 5, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 12 में से 8 माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ गया 4। अब साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी वाला साइन लगाएंगे आप,
स्क्वायर बी फोर माइनस, देखिए सिक्स और सिक्स कितने हो गए हमारे पास, एक सिक्स प्लस वाला है और एक सिक्स ये नीचे वाला प्लस वाला है, ऊपर वाला माइनस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा आपस में, देखें ये दोनों आपस में कैंसिल होगी। उसके बाद टेन में से सिक्स अगर माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस फोर बड़ी वाला साइन और ए की पावर फोर और बी का स्केयर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, फोर और वन कितने हो गए फाइव, फाइव ए की पावर फाइव और बी, तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ पे सॉरी साइन की वजह का यहाँ पे प्लस आएगा, तो जब प्लस आएगा तो फिर आप इसको प्लस माइनस करेंगे, प्लस फोर है और ऊपर माइनस वन है, प्लस माइनस माइनस फोर में से वन माइनस करेंगे तो प्लस थ्री, प्लस थ्री ए की पावर फाइव और बी आ गया, तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ए माइनस बी, ऊपर ए बी और सी की वैल्यूज ने हमें दे दी हुई है, तो हम पहले ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनको हम करेंगे माइनस, तो आप लिख लेंगे ए माइनस बी, ए की जो वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस टू प्लस जी, और दरमियान में आप लगाएंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लगा के बी की जो वैल्यू है माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस जी। अब यहाँ पे आप देखें ये तो फिलहाल आपने सारी सेम ले आनी है, अब दरमियान में जब माइनस हो तो आप अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस जी हो गया। अब आप इनको अरेंज कर लेंगे, लाइक टर्म्स आप इकट्ठी कर लेंगे, इनके एक्स वाली पहले दोनों आप इकट्ठी कर लें, एक्स प्लस टू एक्स, फिर वाई, वाई वाली हमारे पास एक ही है तो वाई लिख लें, उसके बाद जी लिख लें प्लस जी माइनस जी, उसके बाद हाली हमारे पास माइनस टू बच गया, माइनस टू आप ये एंड पे लिख दें। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं जी, वन एक्स और टू एक्स हो गए, थ्री एक्स माइनस वाई सेम आ गया, ये प्लस जी माइनस जी से कैंसिल कर दें आप, तो माइनस टू, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो जी अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो थ्री है, सेकंड पार्ट का, सेकंड का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर थ्री, सेकंड आप खुद कर लेंगे। अब इसका तीसरा हम देखें, सी माइनस ए है, तो पहले आप सी की वैल्यू लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस टू और जी है ये, दरमियान में लगा लें माइनस, अब ए की वैल्यू एक्स माइनस टू प्लस जी, तो सेम उसी तरह फर्स्ट वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ही आ जाएगी, जब दरमियान में माइनस हो तो अंदर वाली सब के साइन चेंज कर दें, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस टू, ये हो गया माइनस जी। अब लाइक टर्म इकट्ठी कर लें, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू जी माइनस जी और प्लस टू, ये बच गया हमारे पास। अब देखिए ये प्लस वाला एक्स है और माइनस वाला एक्स है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, प्लस वाई बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू और वन कितने हो गए थ्री जी, और प्लस टू हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ए माइनस बी माइनस सी है, तो ए की वैल्यू लिख लेंगे दरमियान में माइनस, फिर बी की वैल्यू, फिर माइनस, फिर सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखिए पहले ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू एक्स माइनस वाई माइनस जी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू जी। अब एक्स वाली इकट्ठी कर लें, एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स, वाई वाली इकट्ठी कर लें, माइनस वाई माइनस वाई, फिर जेड माइनस जेड और प्लस टू जी कर लें आप, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो सिंपल जो टू है वो बच गया, ये वाला टू जो माइनस वाला टू है वो आप इधर लास्ट पे लिख लें, तो अब आप इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी। प्लस वाला एक्स है, ये भी प्लस वाला टू एक्स है, थ्री एक्स हो गया, वन माइनस कर लें फिर टू एक्स रह गया, आप इस एक्स को इस एक्स से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो प्लस टू एक्स बच गए। अब ये देखें माइनस वन है,
दोनों वाई वाई हैं लेकिन इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों? कि इनके साइन सेम है। कैंसिल आप तब ही करेंगे जब एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। यहाँ पे आप करेंगे माइनस वन वाई तो हो जाएगा माइनस टू वाई। उसके बाद जी प्लस जी माइनस जी ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस टू जी आ गया इधर हमारे पास, उसके बाद माइनस टू आ गया यहाँ पे। अब देखें सब में क्या सेम है, टू टू, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं जी, टू बाहर निकाल लें सबका, एक्स माइनस वाई प्लस जी और टू वन आर टू, ये उसने पीछे आपका फाइनल आंसर दिया हुआ है। अब इसका एक क्वेश्चन नोट करते हैं जी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, मैंने लिखा जी ये फाइव वाला क्वेश्चन, तो इसका सिक्स वाला सेम ऐसे ही वो आप कर लेंगे। तो ये सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो इसमें से आप देखिए ए प्लस बी और माइनस सी है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास प्लस वाली भी आ रही है और माइनस वाली भी आ गई है। तो मेथड हम वही यूज़ करेंगे, देखिए इनके एक्स माइनस टू प्लस जी, जब दरमियान में प्लस आ जाए तो आप आगे वाले साइन चेंज नहीं करेंगे, वो सेम ही आ जाएंगे ऐसे। माइनस हो जाए तो अगले साइन आपने चेंज कर लेने हैं, एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस टू जी ऐसे। अब आप देख सकते हैं जी एक्स वाली सारी हम इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और जी वाली आप देख लें प्लस जी और प्लस टू जी, और सादी वैल्यू हमारे पास माइनस टू बच गए जी। तो अब इनको प्लस माइनस करिए, ये एक्स प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स बच गया, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, वन टू थ्री फोर, तो प्लस फोर जी और माइनस जो है ना ये टू था जी, तो माइनस टू, ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। अब देखते हैं जी, हाँ इसमें से भी उसने कॉमन ले के फिर आंसर दिया हुआ है, तो कॉमन फिर देखें टू के टेबल में सारे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे जी इसमें से जो टू है वो कॉमन ले लेंगे जी। जी टू कॉमन अगर हम लेंगे तो हमारे पास देखें क्या, यानी कि आप क्या करेंगे इसको टू पर डिवाइड कर देंगे, टू वन था टू वन तो हम नहीं ले जाएंगे, माइनस एक्स बच गया, टू टू था फोर टू जी माइनस टू वन था टू। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी एडिड टू एक्स की सेवन माइनस एक्स की सिक्स एक्स की फाइव माइनस एक्स की फोर प्लस एक्स की थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू गेट एक्स की सेवन प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स की थ्री माइनस वन, यानी कि इस फर्स्ट वैल्यू में क्या जमा किया जाए कि हमारे पास जो आंसर है वो ये आए, ठीक है जी। यानी कि कह लें कि देखें ये हमारे पास 10 है, 10 में क्या जमा किया जाए तो आंसर इसका क्या है 15। तो इसका हमारे पास यानी कि ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर, यानी कि यही सेम चीज़ मैं आपको इस छोटी सी एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्ज करिए 10 है, 10 में क्या जमा किया जाए कि आंसर हमारे पास 15 आए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 है सेकंड में से अगर हम फर्स्ट वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ गया जी 5। इसका मतलब है कि 10 में अगर हम 5 प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम इधर अप्लाई करेंगे, हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो अगर हम उसमें ऐड कर लें तो ये हमें आंसर बन जाएगा। अब देखिए जो सेकंड वैल्यू है वो हम ऊपर लिखेंगे, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1 जी, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे, एक्स की पावर 7 के नीचे आ गया माइनस एक्स की पावर 6 है ना, तो वो ऊपर देखें कहीं नहीं है, तो इसको हम इधर लहदा लिखना पड़ेगा हमें, प्लस एक्स की पावर 5, तो प्लस एक्स की पावर 5 ये इसके नीचे आ गया, और माइनस एक्स की पावर 4 इधर नहीं है तो वो उसको भी हमें लहदा ही लिखना पड़ेगा, प्लस एक्स की पावर 3 तो ये इसके नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पे आपने लाइक टर्म इकट्ठी करनी है, एक्स की पावर 7 उसके नीचे, 5 वाली 5 के, 3 वाली 3 के, और अब देखें हमारे पास एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स भी नहीं है, प्लस वन है, तो ये प्लस वन जो है ये माइनस वन के नीचे आ गया। यानी कि जो वैल्यू हमें मिल जाएगी उसके नीचे हम लिख देंगे, बाकी हम इसको सेपरेट करके लगा लिख देंगे। अब जब हम इनको माइनस करते हैं ना तो हम इनका साइन चेंज करते हैं,
ये जो नीचे वाले साइन है सारे आप ख़त्म कर दें और इनको चेन कर दें जी। देखें ये प्लस का साइन था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। अब ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है ये भी प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। अब हम इनको करते हैं जी प्लस माइनस करके जो भी आंसर आता है हम निकालते हैं जी। फर्स्ट वाला भी हमारे पास प्लस था तो वो भी माइनस हो गया, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस होता है जी। प्लस ऊपर है नीचे, अब ये जो सर्कल वाले ये साइन आपके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब जो आपके साइन है वो नीचे वाले आपने देखने हैं, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 7, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब एक्स की पावर 5 प्लस में है और एक्स की पावर 5 माइनस में है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। एक्स की पावर 3 प्लस है और एक्स की पावर 3 माइनस है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस 2, आगे ये वाले सारे सेम टू सेम, नीचे वाले साइन लगा के आपने लिखना है प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब ये देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसको नीचे आंसर जब लिखेंगे तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, तो आप लिख लें इधर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले बड़ी पावर एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। रिक्वायर का आर मिस हो गया तो यहाँ पे आर भी आप लिखवा ले। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका यानी कि 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सेम वैसा ही वही मेथड है बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज कर दिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू ऊपर लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू उसके नीचे, ये सारी वैल्यू एक दूसरे के सेम है, पहली पहली के नीचे आप लिख दें, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के, ये उससे ज़्यादा थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। अब आप इनको जब माइनस करेंगे तो सबके आप साइन चेंज कर देंगे जी, ठीक हो गया जी। माइनस 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 ये तीनों प्लस हो गया, वो प्लस था वो माइनस हो गया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। अब आप ये देखिए 5 में से 2 अगर माइनस करें तो 3x की पावर 4 और y की 3 बच गया। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 कितने हो गए, 3 प्लस 3x की पावर 3 और y का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 3 और 1 कितने हो गए, 4 प्लस 4x का स्क्वायर और y हो गया, तो माइनस 9 प्लस 5 है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से अगर हम 4 माइनस करें तो पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी माइनस 5, बड़ी वाला साइन आ गया। तो यही हमारे पास आंसर आ गया इसका, इसके साथ आप लिख लें रिक्वायर पॉलिनोमियल, यहाँ से भी ठीक है आपका चल जाएगा। तो जी बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। इसमें व्हाट देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसमें से क्या माइनस किया जाए, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये सेकंड वाला यानी कि आंसर आ जाए। तो पहले देखिए हमने एडिट किया था, तो जब एडिट का वर्ड था ना, तो हमने यानी कि जो सेकंड वैल्यू ऊपर लिखी थी फर्स्ट नीचे लिखी थी उनको माइनस कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो जब सब्ट्रैक्टेड का आपके पास वर्ड आ जाए तो फिर आपने पहली में से दूसरी ही माइनस करनी है, सीधा सीधा ही आपने लिखना है, यानी कि आप लिखेंगे 5x की 5 y की 5 माइनस 3x क्यूब y क्यूब प्लस 10xy माइनस 9 ऐसे। और दूसरी आप इसके नीचे ही लिखेंगे 3x की 5 y की 5 प्लस 7x क्यूब y क्यूब माइनस 11xy प्लस 19। अब आप देख सकते हैं कि इसमें में भी हमारे पास जो अरेंजमेंट है वेरिएबल्स की वो सेम ही है, यानी कि पहले पहले के दूसरे नीचे ही आ रहा है, दूसरा दूसरे के नीचे ही आ रहा है। अब हम पहले इनके साइन चेंज कर लेते हैं, देखें प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब इसका आंसर निकाल लें आप, 5 में से अगर 3 माइनस करें 2x की 5 y की 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 3 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 11 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो 21 एक्स वाई, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 19 में अगर आप प्लस कर लें 9 तो हमारे पास बन जाता है ये 28। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया।